हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 7, एयर। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्री मिड टर्म के 7th चैप्टर एयर के बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे, जो कि आपकी प्री मिड टर्म एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, टिक द करेक्ट। अब फर्स्ट जो टिक द करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एमसीक्यू जो है आपका, इसकी बात करते हैं। द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है। भाई जो हमारा एटमॉस्फियर है उसमें बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो उस एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो एटमॉस्फियर है उसमें एयर जो है वो 21% प्रेजेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओजोन लेयर दैट शील्ड द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन इन इज इन द। भाई जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में प्रेजेंट है। वो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। किसमें है? स्ट्रेटोस्फीयर। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, स्पेस सेटल्स ऑर्बिट द अर्थ इन द। भाई जो स्पेस सेटल्स ऑर्बिट होते हैं अर्थ में वो कहाँ पर है, यानी कि जो उड़ने वाली जो चीजें होती हैं वो अर्थ में किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो वो होती हैं थर्मोस्फीयर में। कौन सी लेयर में होती हैं वो? थर्मोस्फीयर में। आगे हम बात करते हैं, 4th एमसीक्यू है हमारा, टू मेक प्रोटीन प्लांट यूज। भाई जो प्रोटीन प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। आगे हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन में, व्हेन वी कवर ए बर्निंग कैंडल विद ए ग्लास एंड इट एग्जीक्यूज विच अंडरस्टैंड दैट। भाई जब हम किसी जलती हुई कैंडल को कवर कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या समझाने के लिए होती है, मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही होती है? तो इसका आंसर होता है, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए एयर की जरूरत होती है, इस चीज को शो करती है, क्योंकि जब तक हम उसे कवर करके नहीं रखेंगे तब तक वो जलेगी, और जैसे ही हम उसको कवर कर देते हैं तो वो बुझ जाती है। आगे हम बात करते हैं मैचिंग की, जो कि आपके इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब कॉलम ए को बी से हमें मैच करना है। नाइट्रोजन जो होती है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स होती है, यानी कि प्रोटीन की जो मेन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन में मिलता है। आगे आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? सपोर्ट ऑफ कंबशन, यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें सपोर्ट देती, कंबशन के लिए हेल्प करती है। आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशन को, ठीक है, किसको एब्जॉर्ब करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन को। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या करती है? सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को क्या करती है? इंपैक्ट करती है, हमारे टेम्परेचर पे इफेक्ट डालती है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्गन। आर्गन क्या है? यूज इन मेटलर्जी। भाई जो आर्गन होता है वो उसका इस्तेमाल मेटलर्जी में, यानी कि मेटल्स के काम में लेते हैं। आगे है हमारा हीलियम। हीलियम क्या होता है? यूज्ड टू फिल एयर बैलून्स। भाई जो बैलून्स में जो एयर फिल करी जाती है, जो भरी जाती है हवा, वो क्या होती है आपकी? हीलियम होती है। आगे हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा, द एक्सोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनोस्फीयर, यानी कि जो एक्सोस्फीयर लेयर होती है उसको आयनोस्फीयर लेयर भी कह सकते हैं? नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आगे है नाइट्रोजन सपोर्ट कंबशन। भाई अभी हमने पढ़ा था कि कंबशन के लिए जो सपोर्ट देते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
आगे हीलियम इज यूज इन मेटलर्जी, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भी आपने पढ़ा था, जो हीलियम होती है वो तो बहुत हल्की गैस होती है जो कि बैलून्स में फिल की जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ ट्रू फॉल्स है हमारा, एयर हैज वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्पेस बट डज नॉट हैव वेट। भाई जो एयर होती है उसमें वॉल्यूम होता है और स्थान को घेरती है और उसमें वेट नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे है फिफ्थ पॉइंट है हमारा, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। भाई जो सॉलिड CO2 होती है उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, और जो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और लर्न भी करना है, ये प्रीमिड टर्म एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।